हेलो गाइस, कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो गाइस, क्या आप सब लोगों को पता है कि आप लोग गूगल असिस्टेंट का इस्तेमाल करके आप गूगल पे जो भी चीज़ चाहो वो सर्च कर सकते हो। अच्छा, हमको सिखा रहा है। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं कहूँ कि आप सिर्फ वॉइस कमांड से ही अपने पूरे मोबाइल को ही एक्सेस कर सकते हो। चाहे आपको अपना कैमरा को ओपन करना हो, अपने व्हाट्सएप को ओपन करना हो, अपने यूट्यूब को ओपन करना हो, या फिर ओपन करना हो अपने नोटिफिकेशन बार को, सब कुछ आप वॉइस कमांड दे करके ओपन कर सकते हो, या फिर अपने मोबाइल को ही एक तरह से हैंडल कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वॉइस कमांड दे करके। जी हाँ गाइस, मैं बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। वॉइस कमांड दे करके आप अपने ही स्मार्टफोन के नहीं, आप चाहो तो अपने दोस्त के स्मार्टफोन को, अपने गर्लफ्रेंड के स्मार्टफोन को भी एक्सेस ले सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको वॉइस कमांड से किसी भी के स्मार्टफोन को कंट्रोल कैसे करना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। उससे पहले चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि इसी तरह की अमेजिंग कंटेंट मैं आपके लिए रोज लेके आते रहता हूँ। तो चले चलते सीधा मोबाइल के होम स्क्रीन पे, वहाँ पे मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ओपन व्हाट्सएप, ओपन फेसबुक, ओपन कैमरा, फ्रेंड्स मैं आ गया अपने मोबाइल को होम स्क्रीन पे। और चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आपको अपने मोबाइल फ़ोन को या फिर अपने दोस्तों के मोबाइल फ़ोन को कंट्रोल करना है, वो भी वॉइस कमांड दे करके। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, उसके लिए आपको प्ले स्टोर पर जाना है। और प्ले स्टोर पर जाने के बाद प्ले स्टोर के सर्च बार पर आपको एक चीज़ टाइप करना है, उस एप्लीकेशन का नाम है वॉइस एक्सेस। यहाँ पे आ गया है, देख सकते हो, वॉइस एक्सेस आपको सर्च करना है। वॉइस एक्सेस जैसे ही आप सर्च करोगे, यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरह से इस एप्लीकेशन का जो है प्रोफाइल दिखाई देता है। तो आपको इसे क्या करना है, इसे डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद आपको इसे ओपन करना है। तो चलिए इसे मैं ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद उसके यहाँ पर देख सकते हो ओके का ऑप्शन आने, टर्न ऑन का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं ओके पे क्लिक कर देता हूँ। ओके पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर थर्ड नंबर पर वॉइस एक्सेस जो ऑफ है उसे आपको ऑन करना है, उसे अनेबल करना है। तो चलिए इसे मैं अनेबल कर देता हूँ, देन नीचे अलाउ पे क्लिक कर देता हूँ। नीचे अलाउ पे क्लिक करने के बाद मैं बैक आता हूँ। बैक आने के बाद यहाँ पे आपको टर्म एंड कंडीशन है, तो आपको यहाँ पे एग्री कर लेना है। एग्री करने के बाद यहाँ पे आपको ऑफ दिखाई रहा है, उसको आपको ऑन कर लेना है। ऑन करने के बाद देख सकते हो यहाँ पे सिंबल आ रहा है। उसके बाद यहाँ पे आपको कुछ नोटिफिकेशन आ रहा है या फिर आपको बताया जा रहा है कि किस तरह से इसको आपको इस्तेमाल करना है, इस एप्लीकेशन को इस्तेमाल करना है। अगर आप ऊपर वाले को ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो तो ये परमानेंटली ऑन रहेगा, जब भी आप कुछ भी बोलोगे वो उसको सुनता रहेगा और जो भी आपको कमांड दोगे वो कमेंट कर लेगा। उसके साथ ही साथ अगर आप नीचे वाले को सिलेक्ट करते हो तो ये सिर्फ 30 सेकंड के लिए ऑन रहेगा। तो आप जैसा चाहो आप सिलेक्ट कर सकते हो, नीचे वाले का 30 सेकंड और ऊपर वाले जो है वो रहेगा परमानेंटली ऑन रहेगा। तो अपने अनुसार आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या करना है, बस कंटिन्यू करते जाना है। आपको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है कि इस एप्लीकेशन का कैसे इस्तेमाल करना है, और जहाँ जहाँ पर आपको परमिशन मांगता है वहाँ पर आपको परमिशन देते चले जाना है। और लास्ट में यहाँ पे फिनिश का ऑप्शन आता है, तो फिनिश के ऑप्शन के ऊपर आपको क्लिक करना है, जिसके बाद आपका पूरा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब बस मुझे इस इन्वॉल्व के ऊपर एक बार मुझे क्लिक करना है, उसके बाद ये ऑन हो जाएगा। तो चलिए इसके बाद मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ। इसके ऊपर मैं एक बार जैसे ही क्लिक करता हूँ, यहाँ पर देख सकते हो, उसके बाद ओके गूगल, ओपन फेसबुक, ओपन व्हाट्सएप, ओपन कैमरा। तो यहाँ पर देख सकते हो जैसे जैसे मैं कमांड देता जा रहा हूँ, चाहे व्हाट्सएप के लिए हो, फेसबुक के लिए हो, या फिर कैमरा के लिए हो, या फिर गूगल के लिए हो, किसी के लिए भी मैं कमांड दे रहा हूँ वो कमांड मेरा काम कर रहा है, ओपन हो रहा है। तो सेम इसी तरह से आप भी अपने दोस्त के या फिर गर्लफ्रेंड के या फिर अपने स्मार्टफोन को एक्सेस कर सकते हो, चाहे आप दूर बैठे हो। बस आपका वॉइस उस स्मार्टफोन तक जाना चाहिए, उसके बाद जो भी आप कमांड दोगे आपका स्मार्टफोन वही काम करेगा। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इस ऐप का इस्तेमाल करके अपने स्मार्टफोन को वॉइस कमांड से ही पूरी तरीके से एक्सेस कर सकते हो। आपको कुछ भी टाइप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको यूट्यूब को भी ओपन करना है तब भी आपको स्लाइड करके यूट्यूब को जाकर के ओपन करने की जरूरत नहीं है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो सब लोग को अच्छा लगा होगा, वीडियो थोड़ा सा अच्छा नॉलेज वाला हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। बाकी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं कल एक और नए वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।